जय हिंद टू यू ऑल गाइस, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्ज़ाम बी। तो गाइस, आज एक पेपर हुआ था एसएससी सीजीएसएल 2021 का, टीयर वन का बेसिकली, ठीक है। तो 13 अप्रैल 2021 का पेपर है जिसमें हम सभी शिफ्ट, हालांकि हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का बस, ठीक है। तो हम इस एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज, कौन कौन से कितने कितने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कितने आए थे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जीए के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो गाइज, इनके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आप देख रहे हैं डबल हैं, 50, 50, 50 और 50, टोटल मार्क्स 200 होता है और क्वेश्चन होते हैं आपके 100। ये आपका है पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो होगा। और आपको टाइमिंग कितनी दी जाएगी, आपको दिया जाएगा 60 मिनट में आपको इस पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी की फ्री मॉक टेस्ट अवेल कर पाएँ तो आप इस वेबसाइट में जाकर, जो कि हमारी वेबसाइट है आई एग्ज़ाम बी की, तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आपको ज़रूर यहाँ पर इससे हेल्प मिलेगी गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में गाइस, ठीक है। तो पहला जो हमारा सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट 13 अप्रैल 2021 को हुआ था, ठीक है, तो जो जीए है, यानी कि जो एक तरीके से ये जो हमारा जीए है, इसके जो क्वेश्चंस थे बेसिकली मॉडरेट थे, ठीक है, इतने ज़्यादा ही हाई लेवल के या फिर टफ नहीं आए थे। जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन थे वो आपका ईजी टू मॉडरेट थे, यानी कि हाई लेवल का पेपर अभी तक इसमें बनाया ही नहीं गया। इंग्लिश की बात करें तो ईजी था, और क्वान्टिटेटिव एबिलिटी की बात करें तो वो भी ईजी था। तो जो ओवरऑल एनालिसिस है इस पेपर का वो रहेगा आपका इजी टू मॉडरेट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए कि कौन कौन से कितने कितने नंबरों पे आपका जो अटैम्प्ट है वो एकदम अच्छा रहेगा, जिससे आपका पेपर निकल पाए। अगर आपने जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस में 18-20 स्कोर किया है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। जीए में आपने 15-19 करा है तभी भी आपका वेल एंड गुड है। इंग्लिश में अगर आपके 18-21 आते हैं तो बहुत अच्छा है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 20-23 के बीच में अगर आ रहे हैं, और जो आपका सेफ स्कोर बन रहा है 78-85 के बीच में, दैट विल बी योर गुड स्कोर। एंड आई होप कि इतने नंबर में आपकी मेरिट आ सके, किसके लिए, टायर टू के लिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, उसमें पॉलिटी के कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया इन लोगों ने इस बार, ज्योग्राफी से 2 हैं, इकोनॉमी से 1 है, स्टैटिक जीके से 1 है गाइज, करंट अफेयर से 2 आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिला के हम देखते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मिसलिनियस में कौन सा आएगा गाइज, मिसलिनियस में आएगा करंट अफेयर में जो पर्टिकुलरली अवार्ड दिए जाते हैं, करंट मान लीजिए या फिर आप मान लीजिए कि 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 2018-19 का, तो जो भी अवार्ड एंड फंक्शंस होते हैं वो आपके मिसलेनियस में आते हैं। तो वैसे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, और आर्ट एंड कल्चर का मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर वाला, ठीक है गाइज। तो वहाँ से भी 1 आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम हमारे जीए के क्वेश्चंस में। तो कौन सी ऐसी नदी है जो किसके पास है गाइज, जहाँ पर सिचुएटेड है इंडिया का मैनचेस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है, सूरत है। तो सूरत किस नदी के किनारे, साबरमती रिवर के किनारे है। तो ये आपने याद रखना है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज स्टेरिलिटी, तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ई है आपका आंसर। विच कंट्री लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू, तो लियोनेल मेसी आपको पता है बहुत बड़े एक महान फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से गाइस, अर्जेंटीना से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग अगस्त मूवमेंट, ठीक है। तो ये है आपका ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है। बाबरनामा वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये लिखी गई थी फारसी में यानी कि पर्शियन में, ठीक है। कंबाला फेस्टिवल जो कि बहुत अभी क्या चल रहा था, करंट में न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बफेलो को दौड़ाना होता है, ठीक है, साथ ही साथ उसमें एक पर्सन होता है जो उसको दौड़ाता है। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट कराते हैं, कर्नाटका में, ठीक है। मुलाग मेडल वॉज अवार्डेड टू विच प्लेयर, तो इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट काफ़ी बार पेपरों में आता है, तो ये चेनाब में बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है,
डिवाइस यूज टू मेजरिंग एल्टीट्यूड, किसी भी जगह की आपको अगर हाइट नापनी है तो आप कौन सा जो मेजरिंग डिवाइस है कौन सा यूज़ करेंगे, ऑल्टीमीटर आप क्या करेंगे यूज़ करेंगे। ठीक है गाइज, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डिनेंस पावर इज गिवन बाय विच आर्टिकल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1, 2, 3 है, प्रेसिडेंट की शक्तियों में आता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आता है आर्टिकल 1, 2, 3। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको याद करना रहता है। ठीक है, तो गाइज SSC CHSL का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, ऑनलाइन कोर्स है। क्या क्या मिलने वाला है आपको इसमें, वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिससे आपकी जो क्या बोलते हैं प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से आगे चल पाएगी। फुल लेंथ के आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, हमारी जो इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप मुझसे बात कर पाएंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे और मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो इंटू टू हो सके। ठीक है, तो जल्दी आप एनरोल कराइए, अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉल करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें गाइज। ठीक है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ठीक है, यंगेस्ट मेयर ऑफ केरला, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्य राजेंद्रन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम की क्या बनी है, यंगेस्ट मेयर बनी है अभी 22 साल की। ठीक है, तो आपने याद रखना है, हु हैज़ गिवन द फर्स्ट वोट इन 2019 इलेक्शन, तो पहला वोट 2019 इलेक्शन में किसने दिया, तो ITBP के जो सोल्जर थे अरुणाचल प्रदेश में उनके द्वारा पहला वोट दिया गया। आप एक बुक आई है अनटोल्ड स्टोरी के ऑथर कौन है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, जो कि अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन लखनऊ, लखनऊ में जो 1857 की क्रांति थी इसको नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो नेतृत्व है ये बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। तो 1857 से जितने भी हमारे एरिया हैं जैसे कि बिहार, ठीक है, और हमारा लखनऊ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूछ रखा है, दिल्ली, आगरा, तो आपने इन सभी जगहों के नेताओं का नाम याद रखना है, एक पेपर में पक्का आता है। ठीक है, तो यह है नियाबत ए खुदाई। ठीक है, ये टाइटल किसको मिला था, ये दिया था बलबन को। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, किसको अलग करता है, अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वॉज अवार्डेड टू, तो ये किसको दिया था, MS धोनी को दिया गया है। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो ये हेल्ड हुआ था 1931 इन लंदन। तो ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो कि आपने याद रखने, जो कि हुए थे 30, 31 और 32 को। ठीक है, गांधी जी ने सेकंड वाला जो है अटेंड किया था, ये भी कई बार SSC ने पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन से अमेंडमेंट द्वारा जो वोटिंग की एज है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी, तो ये 61st अमेंडमेंट एक्ट है जो कि आया था 1989 में, हालांकि 1988 में आ गया था लेकिन इसको लागू होने में एक साल का वक्त लग गया था, तो ये इसलिए 1989 आता है गाइस आंसर। ठीक है, तो टायर वन का हम देख लेते हैं, जो क्वांट का सेक्शन है उसमें कितने चैप्टर्स में थे, कितने कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था, एवरेज से भी एक आया था, नंबर सिस्टम से भी वन आया था, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था गाइस, टाइम एंड वर्क का भी एक था। ये आप अगर देखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगली बार जब आप तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको एक ब्रीफ एनालिसिस मिल जाएगा कि आप अगली बार जो तैयारी है उस पर ज़्यादा फोकस किस पे कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या रहेगा आपको कि आप उसे अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे जो आपका वीक पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, एलजेब्रा के 3 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन थे, मैंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, डाटा इंटरप्रिटेशन टैबुलर टेबल वाला ये इसके 3 आए थे, DI डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जिसका बार ग्राफ ऐसा बार ग्राफ देते हैं ना उसमें ये देते इतना परसेंट इसको है इतना परसेंट इसको है, तो ये 2 क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड, तो टोटल मिला के हो गए गाइस 25। तो ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश का देख लेते हैं हम, एंटोनिम पूछा गया था स्ट्रेच का, सिनोनिम पूछा गया था इमर्ज और आइसोलेटेड का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रेट्रोस्पेक्शन का वन वर्ड पूछा गया था, तो गाइस ये होता है अपनी ही किसी पुरानी बात को याद करना, अपना ही कोई एक्ट को लर्न करना। ठीक है, जैसे कि कोई आप रिमेंबर कर रहे हो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वन वर्ड में स्टडी ऑफ मैप से पूछा गया था, भाई स्टडी ऑफ मैप को क्या कहा जाता है,
एरर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक आया हुआ था जिसे कि आपने उसको सही करना था, ठीक है। स्पेल चेक में आपको ऑस्पिशियस और एंडीवर का स्पेलिंग सही से बतानी थी। क्लोज टेस्ट में लाइक बेस्ड आया था कि आपको ये लाइक और अनलाइक वाला होता है, वॉइस और वो होता है जो गाइस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस से आया था, ठीक है। नरेशन में सिंपल एजेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आया था जो कि ये इंग्लिश का पार्ट है गाइस, इंग्लिश का पार्ट मैंने आपको बता दिया है तो ये आपने याद रखना है। टायर वन में जो रीजनिंग है, एनालॉजी के दो क्वेश्चन थे गाइस, ठीक है। आउट वन आउट के तीन क्वेश्चन थे, सीरीज से दो से तीन क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के वन आए थे, डायरेक्शन का गाइस अभी पता चल नहीं पाया है। सीक्वेंस से तीन क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के दो या तीन क्वेश्चन थे गाइस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कोडिंग और डिकोडिंग में भी आते हैं और दूसरे भी किसी चैप्टर में आते हैं, तो इसलिए हम उसको लेके चलते हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक आया था क्वेश्चन गाइस, डाइस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन में से एक क्वेश्चन आया था। मिरर इमेज में दो क्वेश्चन आए थे। वैन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया था गाइस। पेपर फोल्डिंग इमेज वाला भी एक आया था, सिलोलिज्म का भी एक आया था। साथ में अगर कोई मिसलिनियस क्वेश्चन है जो कि इसमें नहीं है उससे रिलेटेड गाइस चार क्वेश्चन आए थे। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जब पेपर होने के बाद काफ़ी दिनों बाद वो पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा तो आपने वो क्वेश्चन सारे चेक करने हैं और अच्छे अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो शिफ्ट टू का देख लेते हैं, ये जीए के क्वेश्चन कम है तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज, हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 में कौन थे? तो वो थे रॉजर फेडरर, ठीक है। लॉन टेनिस खेलते हैं, आपको पता है गाइज, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च पैन इंडिया सर्वे? तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, संतोष गंगवार जी, ठीक है, लेबर मिनिस्टर है। लीडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि नागा विद्रोह किनके द्वारा कराया गया था? रानी गाइडिनेलू, ठीक है। मणिराम दीवान असम के नेता है, तो इन दोनों ने इनको क्या करा था, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था इसको क्या किया था, लीड किया गया था, ठीक है। जो हमारे पटाखे होते हैं इसमें ग्रीन कलर किससे आता है? बेरियम से आता है। किसने सीनियर बिलियर्ड नेशनल चैंपियनशिप जीती थी? तो पंकज आडवाणी ने जीती थी। बहुत बड़े ये हमारे क्या है, स्नूकर के प्लेयर हैं, ठीक है। इन विच नेशनल पार्क हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च? तो किस नेशनल पार्क में हॉट एयर सफारी, जो बैलून होता है एक तरीके से पैराशूट वाला, अब बोल सकते हो आप कि उसकी सफारी लॉन्च करी? तो वो था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड के नए सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत जी हैं, ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? ये बहुत ईजी है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। पासेक्स एक्सरसाइज दिसंबर 2020 में हुई, किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी रशियन फेडरेशन नेवी के बीच में और इंडियन नेवी के बीच में, ठीक है। तो होयसलेश्वरा टेम्पल किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है गाइस, ठीक है। सेंसस 2011 के अनुसार किस स्टेट में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा कब बनी थी? तो ये बनी थी 3 अप्रैल 1952 को, ये आपने याद रखना है। आगे भी कई पेपर में गाइस ये आ सकता है, ठीक है। जो सिर्फ टू का जीए का एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक ये रहे, सीरीज में से तीन क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन था, फिगर काउंटिंग से एक था गाइज, ब्लड रिलेशन में से भी एक आया था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी एक था, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, साथ ही साथ वेन डायग्राम का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और सिलोलिज्म के भी 2 क्वेश्चन थे, पेपर फोल्डिंग के भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे गाइज, मिरर इमेज का भी एक था क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 3 थे, मिसलिनियस क्वेश्चन भी 3 आए हुए थे जो इनमें उनका टॉपिक नहीं है, और साथ ही साथ कोडिंग और डिकोडिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं गाइज, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सिंप्लीफिकेशन से 1 आया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 आए हुए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 था, सिंपल SI और CI जो आता है आपका उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, वर्क एंड टाइम का 1 था, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 था, मेंसुरेशन, ठीक है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे, DI डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन थे, आपको एक टेबल दे दिया था मान लीजिए और उसको आपको सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का 1 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, एलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 2 और ट्रिग्नोमेट्री से भी इस बार 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे गाइज, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो EDM से 2 क्वेश्चन थे, सिनोनिम से 2 थे, सेंटेंस
इम्प्रूवमेंट में 3 क्वेश्चन आए थे, एंटोनिम में 2 थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1 क्वेश्चन आया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन थे, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट और पैसेज में 5 क्वेश्चन आपको इस वाले में देखने को मिले थे। तो गाइज ये था हमारा आज का एनालिसिस हमारे CHSL का पेपर टीयर 1 का। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालें या फिर अगर आप चाहते हैं कि SSC का आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है गाइज। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।